क्लास थ्री सोशल स्टडीज EBS चैप्टर टू द लिविंग अ प्लैनेट द अर्थ। सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द अर्थ। हम लोग देखने जा रहे हैं अर्थ कैसा लगता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का कैसा स्ट्रक्चर है, एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स डैट हेल्प अस टू लिविंग टू लिव इन दिस प्लैनेट। ये कौन कौन सा कंपोनेंट है जो हम लोग को इस प्लैनेट में रहने के लिए मजबूर करता है। इफ़ यू हैव सीन दिस पिक्चर, अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो देख रहे हो कि बहुत सारा स्टार्स दिख रहा है। अगर खुली रात में अमावस्या के दिन अ न्यू मून डे वी सी मीन्स द नेकेड आई थ्रू द नेकेड आई अपॉन द स्काई वी विल सी अ ह्यूज एंडलेस एक्सपेंशन ऑफ द मिलियन ऑफ स्टार्स। So you have observed that this million of stars. So the universe is a huge. What is universe? Here is the question. What is universe? Universe क्या है, ब्रह्मांड क्या है, अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम लोग स्काई देख रहे हैं, तो स्काई जो छत है ऊपर में, तो कितना किलोमीटर से हम लोग स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो स्पेस जो अंतरिक्ष हम लोग बोलते हैं कि कोई भी सेटेलाइट या किसी चीज़ को भेजा जा रहा है तो अंतरिक्ष पर जा रहा है, स्पेस पर जा रहा है, तो आफ्टर 100 किलोमीटर देयर इज ए स्टार्ट ऑफ द स्पेस, कि 100 किलोमीटर के ऊपर से स्पेस को स्टार्ट माना जाता है कि वहाँ से अंतरिक्ष है। और उसी यूनिवर्स में के एक है इंडलेंट, ये जो यूनिवर्स इज ए ह्यूज एंड इंडलेस एक्सपेंशन ऑफ मिलियंस मिलियंस स्टार विथ ऑल हेवनली बॉडीज विच आर नोन एज द गैलेक्सी। और इसी तरह को अलग अलग से जितना भी स्टार्स है बहुत सारे, एक का अगर देख रहे हैं एक गैलेक्सी कहते हैं जैसे मिलियन मिलियन स्टार्स हो सकता है, हो सकता है कि ये भी गुच्छा हो जाए। इसको अगर जूम करें, यहाँ भी जूम करें, यहाँ भी जूम करें, सबको जूम करेंगे तो मिलियन मिलियन से स्टार्स हमको दिखने लगेगा। उसी में से एक मिलियन स्टार्स है मिल्की वे, जो कि हम लोग का फैमिली, हम लोग का परिवार है। तो आवर प्लैनेट अर्थ इज होम ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स, कि हम लोग जितने तरह का यहाँ पर बहुत तरह का जीव जंतु रहते हैं। इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम डैट हैज़ लाइफ, कि हमारे सोलर सिस्टम में ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसमें जिंदगी है। देयर इज नो अदर प्लेस इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट। हम लोग जितना प्लैनेट देख रहे हैं, चाहे MVEM मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, तो अगर देख रहे हैं अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, अगर यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, और अंत में जो एक ड्राफ्ट प्लैनेट था प्लूटो। तो यहाँ देख रहे हैं कि द अर्थ हैज एन एयर, क्यों ऐसा लाइफ पॉसिबल है कि अर्थ में हवा है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, डेट आर नीडेड बाई द प्लैंट्स प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव। जो जीव जंतु है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, उसको जीने के लिए हमको तीन चीज़ की ज़रूरत होती है, एयर, वाटर एंड सॉइल। वो सभी चीज़ जो प्रेजेंस है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ आवर अर्थ इज कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट। कि वाई इज अर्थ द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट, तो आंसर इज वेरी सिंपल, अर्थ हैज एयर, वाटर, सॉइल एंड डैट आर नीडेड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। स्पेस एंड द अर्थ, अगर स्पेस का भी हम बात किए कि 100 किलोमीटर से अगर आप जो एटमोसफेयर अर्थ से हम चारों ओर से 100 किलोमीटर आप ऊपर चले जाते तो वहाँ से स्पेस स्टार्ट हो जाता है, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। सो इन द यूनिवर्स आवर अर्थ इज ए टाइनी पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी, एक छोटा सा गैलेक्सी जो गुच्छा दिखा रहे थे उसमें से एक गुच्छा है जिसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं या मिल्की वे। आकाश गंगा के पहले के ज़माने में, जो एंशियंट टाइम में थे, पुराने ज़माने में, तो वो लोग जो मैंने उसको मैंने वहाँ से गंगा के नदी में रात में देखते थे तो बहुत सारे स्टार्स देखते थे, तो उनको लगता था कि ये जो गंगा का जो नदी का पानी का जो अंदर का पार्ट है वो ऊपर दिख रहा है चमक की लाइट से, उसको आकाश गंगा कहते थे और वो मिल्की वेज नाम है उनका। तो ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, जितना भी अर्थ में लिविंग थिंग्स है, नीड एयर, वाटर, फिर जाके यहाँ पर राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ, कि थोड़ा जितना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी जिंदगी के लिए, सो इट इज़ द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच मेक इट नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, कि उतना डिस्टेंस हम लोग रहते हैं कि जहाँ पर ना ही ज़्यादा गर्म हो ना ही ठंडा हो।
द थिंग्स डैट फाउंड ऑन अर्थ, क्या क्या चीज़ अर्थ पर पाया जाता है, तो अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सन से वो रोशनी लेता है और हीट लेता है। फिर अ लेयर ऑफ एयर, जो अगर अर्थ के यहाँ पर चारों ओर एक ऐसा सा आर्टिफिशियल डस्ट का लेयर बन जाता है जिसको हम लोग चारों ओर उसको हम लोग एटमोसफियर कहते हैं, सराउंड द अर्थ। और द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, अगर अर्थ का जो सरफेस है जहाँ हम लोग रहते हैं बाहर में, जिसको मिट्टी कहते हैं, धरती माता कहते हैं, वो किस चीज़ से बना हुआ है, लैंड और वाटर से बना हुआ है। और अबाउट थ्री फोर्थ पार्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का ज़्यादातर भाग है, थ्री चौथाई और वन फोर्थ में सिर्फ हम लोग का लैंड है, वो सब जो थ्री फोर्थ पार्ट है वो पानी से भरा पड़ा है और वन फोर्थ पार्ट हम लोग का जमीन है। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ कैसा दिखता है, अर्थ क्या चमकीला दिखता है, रेक्टेंगल दिखता है। तो अर्थ जो है ये अगर हम देखेंगे, इफ़ यू स्टैंड ऑन एन ओपन फील्ड ऑन द सी बीच, अगर सी बीच में समुद्र के पास चल जाए इस तरीके से, तो आपको इसमें अर्थ जो है देखेंगे कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, पियर्स फ्लैट मैंने समतल दिखता है। बट ड्यू टू दिस रीजन पीपुल लॉन्ग एगो, बहुत पहले, वे आर एफ्रेड टू ट्रेवल फार, बहुत दूर तक जाने के लिए व्यक्ति लोग डरते थे, दे फियर डैट दे वुड फॉल ऑफ द एज ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के किनारे जाते थे वो कहीं गिर ना जाए। तो इज द अर्थ रियली फ्लैट, क्या अर्थ सही में समतल है। तो अबाउट 500 ईयर्स एगो, अगर आज से 500 साल पहले, फ्रीडलैंड मैगलिन जो पुर्तगीज सेलर था, नाविक था पुर्तगाल का, वो एक जहाज का बेड़ा लेकर निकलता है स्पेन से, फ्रॉम स्पेन से, तो जो मैगलिन निकलता है, ही कैप सेलिंग इन वन डायरेक्शन आफ्टर थ्री ईयर्स, जहाँ से जिस डायरेक्शन से वो स्टार्ट करता है उसी डायरेक्शन वो तीन साल के बाद जाके वो वापस वहीं पर आ जाता है, उसी डायरेक्शन में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं कि आफ्टर थ्री ईयर ही सी रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। तो द सेलर्स हैड रियली सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, क्या पूरा सब जगह चले गया पूरा घूमने के लिए। तो द मैगलिन प्रूव डैट द अर्थ इज राउंड लाइक ए बॉल, मैगलिन ने सिद्ध किया कि वो एक गेंद की तरह है, वो फ्लैट नहीं है, इस तरह से समतल नहीं है, एज पीपुल डैट अर्लियर। तो एस्ट्रोनॉट फादर प्रूव दैट, फिर जो खगोल शास्त्री हूँ आगे इसको प्रूव किए। तो एस्ट्रोनॉट होते कौन है, तो एस्ट्रोनॉट आर पीपुल हु हैव बीन ट्रेंड टू द ट्रेवल इन स्पेस इन रॉकेट एंड स्पेसशिप, कि जो मैंने उसको ट्रेनिंग दिया था आकाश में जाने का, चाहे वो रॉकेट के थ्रू जाए स्पेसशिप से। वेन द एस्ट्रोनॉट लुक एट द अर्थ फ्रॉम द आउटर स्पेस, कि मैंने अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर से जाके देखा, तो वहाँ स्पेस से वहाँ देखा कि ये तो एक ह्यूज बॉल है अर्थ भी। और इसके बाद हम लोग अंतिम में देख रहे हैं कि होरिजन क्या होता है। तो होरिजन क्या होता है, जब अर्थ ऐसे रखा हुआ है और इस कोने में हम खड़े हैं, तो इस तरह से एक समतल दिख रहा है, और यहाँ पर हमको कहीं अगर पानी दिखेगा, हमेशा अगर किनारे पानी या कहीं सूरज डूबते हुए या सूरज उगते हुए दिखेगा, तो इसी को हम लोग होरिजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है इस कोने में, तो ये होरिजन है। तो इफ़ यू लुक फ्रॉम ए डिस्टेंस द लैंड इन स्काई सीम टू मीट, अगर आप देखेंगे तो मिट्टी और जो आकाश है दोनों मिलते हुए दिखेगा, बट इन रियली दे डू नॉट मीट, लेकिन सही में वो मीट नहीं करता है। सो द प्लेस एट विच लैंड इन स्काई अपियर टू मीट, जहाँ पर लगता है कि दोनों मिल रहा है, उसको हम लोग होरिजन कहते हैं। सो यू मे फर्दर ऑब्जर्व एज यू मूव क्लोज टू द होरिजन अ कोस्ट, कोस्ट मतलब कि जो समुद्र का किनारे, अगर समुद्र के किनारे जैसे अगर हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर ये कोस्ट कहलाता है, समुद्र का किनारा है। जैसे हम लोग इंडिया का अगर इस तरीके से अगर इंडिया का मैप को अगर बनाते हैं रफले का, यहाँ पर अरबियन सी है, तो ये जो किनारे का भाग है, समुद्र का भाग है, जैसे ये दिख रहा है, उसको हम लोग कोस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर कोस्ट हो गया था, द लैंड एंड सी मीट एट द कोस्ट, जहाँ से मिट्टी और सी मीट करता है उसको कोट करता है। इफ़ यू स्टैंड ऑन द कोस्ट एंड फेस द सी, इट सीम एज द इफ द वाटर एंड स्काई आर मीटिंग द डिस्टेंस, लैंड और डिस्टेंस अगर मीट करेगा, लैंड और जो मैंने स्काई मीट करता है, तो उसको हम लोग होरिजन कहते हैं, और स्काई और अगर मैंने कि जो वाटर मीट करता है, तो उसको हम लोग वहाँ पर कोस्ट कहते हैं। अब आकाश कैसे दिखता है, स्काई कैसे दिखता है, तो एबव द अर्थ इज द स्काई, स्काई इस तरीके से दिखता है, बादल बादल दिखता है, इट लुक्स ब्लू थ्रू इट रियली नॉट सो, ये ब्लू दिखता है लेकिन है नहीं, इट इज जस्ट ए वास्ट स्पेस सराउंडिंग द अर्थ, कि एक अर्थ का ऊपर में स्पेस है। But the sun is...